हैप्पी बर्थडे। तो जी अभी हो रही है बारिश और हम जा रहे हैं शॉपिंग के लिए फोर्ट्रेस, और ये हमारे साथ हैं शरून साहब, इनकी फियांसी की है जी बर्थडे, और शरून साहब हमारे साथ जा रहे हैं शॉपिंग के लिए। जी शरून जी। कुछ स्पेशल आप बताएंगे? स्पेशल क्या हो सकते जी, ये बहुत शायद सा पर्सन है, लेकिन फिर आपको पता है तंग करने का भी मजा आता है कुछ भी। वैसे तो ये हमारे साथ ही जा रहा है, और अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था नहीं मुझे शर्म आती है मैं क्या करूंगा, लेकिन हम लोगों ने जो है वो इस चीज की परमिशन ले ली है कि शरून साहब साथ जा रहे हैं। हाँ जी नहीं अच्छा नहीं लगता। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज की वीडियो जो है वो बहुत मज़े की होने वाली है, क्योंकि आज हम आए हैं शरून की फियांसी के लिए शॉपिंग करने। उनकी है बर्थडे, तो उनको बर्थडे विश करने के लिए हम उनकी तरफ जाएंगे। हमने क्या प्रेपरेशन की, कैसे सेलिब्रेट की, सब इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और जितना शरून को हमने तंग किया, वो तो सारा आप इस वीडियो में देखेंगे ही देखेंगे, और सब कुछ मैंने आपके साथ शेयर किया। तो चलें जी चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि जी शरून के। हाँ जी क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? तंग कर कर के हमने क्या हालत की, इतना वो कंफ्यूज, इतना नर्वस के भाई बस बाजी मुझे अब अपने वहाँ पे जाके मजाक नहीं करने, मुझे आप नहीं लेके जाओ। वो बहुत शायस्ता और बहुत रिजर्व रहने वाला है। लेकिन ये देखें जी यहाँ पे सभा के लिए हम ड्रेसेस सेलेक्ट कर रहे थे। एक तो लास्ट आपने देख ली है ब्लैक कलर का, वो हमने लिया था क्योंकि ब्लैक कलर मेरी काफ़ी वीडियोस में आप देख चुके हैं कि मुझे तो बहुत पसंद है, लेकिन वो सभा को भी बहुत पसंद है, तो इसलिए जाते ही जो ब्लैक ड्रेस मुझे पसंद आया मैंने वो ले लिया। तो जी यहाँ पर एक हमने लॉन का जो लिया था वो ये स्काई वाला लिया था, मैं घर में इसकी आपके साथ वीडियो शेयर की है। और साथ ही साथ जी हमने जो चॉकलेट्स की एक बास्केट रेडी करवानी थी वो लेने के लिए हम चले गए। कुछ यहाँ से हमने चॉकलेट्स ली, फिर बास्केट रेडी करवाई, और जी फिर हम आ गए यहाँ पर ज्वेलरी शॉप पर। और जब मैंने आपके साथ अपनी ज्वेलरी कलेक्शन की वीडियो शेयर की थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मुझे ये बैंगल्स वगैरह पहननी बहुत पसंद है, खूबसूरत ब्रेसलेट्स मुझे बहुत पसंद हैं। तो इसी तरीके से जब मैं सभा के लिए भी शॉपिंग करती हूँ तो ये चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं लेना। और साथ ही जी हमने यहाँ पर ये एक बास्केट भी रेडी करवा ली थी, अभी हमने इसको फिल नहीं था किया, जस्ट भाई से रेडी ही करवा ली थी कि घर जाकर हम जो है इसको खुद से फिल कर लेंगे। तो जी साथ ही साथ यहाँ पर ये जो ड्रेस मैं लेकर आई थी इनकी भी थोड़ी सी क्लिप्स मैंने लिए हैं। ये बहुत प्यारा ड्रेस था और ऑर्गेन्जा के इसके बाजू थे, बाकी सारा ड्रेस जो है वो लॉन का ही है, दुपट्टा इसका और ऑर्गेन्जा का था और साथ ही साथ बाजू थे, थोड़ी सी फैंसी लुक में था। ट्राउज़र इसका इस तरीके से प्लेन था, और ये ब्लैक वाला है, ब्लैक वाले ड्रेस की जो है ये शिफॉन का ड्रेस था, ऊपर सीक्वेंस के इस पे जो है वो कढ़ाई हुई थी, और ये जीन्स का कैप्री है। और अब मैं यहाँ पर बास्केट रेडी करूँगी, और बास्केट में जी जाएगा ये टेडी बियर और साथ चॉकलेट्स थी, और साथ जी हम सेम डे पर लेंगे कुछ गजरे और वो भी इसमें रखेंगे तो बास्केट हो जाएगी रेडी। ठीक है जी, सारी चीज़ें पहले से ही रेडी कर दी थी ताकि टाइम टू टाइम जस्ट कैरी करें और जी हम चल दिए। शरून साहब है ये ब्रेड एंड बियॉन्ड पे ना केक ऑर्डर करने आया है, आज इसको जो भी काम कह रहा है इसने ना नहीं की। बेसिकली कल इसका ना मतलब ये जाना ना हमने, वो कह रहा कि ये रकेश का वो है फेज एक तरह छण छण लाई सत रंगी वांग ने नेल पॉलिशां दे तिखे तिखे रंग ने फ्रैग। तो जी मैं तो यहाँ पर रेडी हो गई हूँ जाने के लिए। हम घर से निकल आए हैं, बारिश काफ़ी हो रही थी, और ये मानसून का वेदर कुछ इस तरीके से है कि आधे रास्ते में जाते हैं तो कहीं पर बारिश हो रही होती है, कहीं पर नहीं हो रही होती। अभी हम जब घर से निकले तो बारिश हो रही थी, थोड़ी देर बाद थोड़ी स्टॉप हो गई, फिर थोड़े से एरिया में जाते हैं तो हो रही होती है।
लेकिन ये है कि बारिशों में जब बारिश हो रही होती है तो वेदर काफ़ी अच्छा होता है। तो बस जी यहाँ से हम लोग निकल आए हैं, रास्ते में ही जो है वो हम वेट करेंगे भाइयों का और फिर सब एक साथ मिलकर जो है हम आगे जाएंगे। बारिश हो रही है जी, वेदर बहुत प्यारा है जी। कोई 15 से 20 मिनट हो चुके हैं वेट करते हुए, लेकिन हमारे भाई लोग जो है ना वो अभी तक नहीं घर से निकले। ये तो बस मशहूर है लेडीज के लिए कि जी ये लोग टाइम लगाती हैं। मैं कहती हूँ हमारे घर में जो हमारे भाई लोग हैं ना वो ज़्यादा टाइम लगाते हैं। ठीक है जी, तो अभी ये लोग निकले नहीं हैं शायद घर से और हमें कह रहे हैं कि जी हम लोग निकल चुके हैं और बारिश हो रही है तो बस जी वेट हो रहा है। और सर चलिए सर हूँ मजाक नहीं करने हैं। मुझे ये नहीं कहना, मैं ऑलरेडी बहुत नर्वस हूँ और इसको इतना तंग किया। रात को वापस आकर कहता है बाजी ये मेरे लिए बहुत हार्ड दिन था, आप लोगों ने मुझे बहुत टफ टाइम दिया, सब मुझे छेड़ रहे हैं, सब मुझे मजाक कर रहे हैं। और जी यहाँ पर हम रुके थे क्योंकि शरून साहब जो हैं वो जब उन्होंने केक जो है वो पिक किया था तो कैंडल्स वहाँ से लेना जो है भूल गए थे, तो ये रास्ते में ही थे हमारे ये लाहौर किशन कैरी है, तो हमने वहाँ से रुक कर जो है वो कैंडल्स ली। हाँ जी गुड भाई, घर से नहीं थे याद आपको लाना? भाई वो सुन चुके हैं, केक ले निकली है तो वो आज जब गए हैं तो वो भूल गए लाते हुए, इतना वो नर्वस है तो भूल गए। और स्पेशली जब मैं इनकी एक्टिविटीज़ पे बहुत नज़र रख रही थी, बार बार कैमरा ऑन करती थी, तो भी शरून को जो है ना वो बहुत हो रही थी कि पता नहीं कौन सी चीज़ बाजी जो है ना वो कैप्चर करके ना तो सबको दिखा देंगे। और मैं इसको यही धमकी लगा रही थी कि जी ये भी मैंने व्लॉग में ऐड कर देना है, मैंने ये भी ऐड कर देना है, तो शरून जो है ना वो हमारा काफ़ी परेशान था। जी कुछ और तो नहीं भूल गए, देख लेना। चलें जी एटलीस्ट हम पहुंच चुके हैं सबा की तरफ और शरून साहब अभी नीचे ही हैं। सारे शरून आज हैं अपने घर, साहब जी आप उसको पकड़ पकड़ के ला रहे हैं, क्या बात है, इसे चला नहीं जा रहा। यहाँ पर सब जो है वो गपशप लगा रहे थे और शरून भी जो बैठा है, शरून का सारा टाइम जो है सर बिल्कुल नीचे झुका कर बैठा हुआ था। मैं उसको कह रही थी आजकल तो लड़कियाँ नहीं ऐसी होती, शरून थोड़ा सा ठीक होकर बैठो, क्या हो गया आपको। लेकिन शुक्र है खुदा का ये भी किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है कि अच्छे बच्चे जो हैं वो खुदा दे अच्छी तरबियत जो है वो शरून में नज़र आती है, क्योंकि हमारी अम्मा ने शुरू से ही जो है वो इनको बहुत अच्छे से सब कुछ सिखाया, सबकी रिस्पेक्ट करना, सबके साथ अच्छे से रहना। तो जी साथ ही साथ यहाँ पर सबा के लिए जो है वो गजरे लाए गए थे, तो सबा को वो कहा था कि जी आप पहन लें। और मैं ये वीडियो कैप्चर आपके साथ करनी थी एक्चुअली, इस टाइम पर मैं इनके साथ नहीं थी जब फ्लावर्स खरीदे हैं, तो मैंने शरून को कहा था कि मुझे एक छोटा सा क्लिप जो है आपने कर देना, तो उसको ये था कि नहीं जी जितनी मेरी वीडियोज़ बन रही हैं ना वही पूरी हो जाए तो बहुत है। खैर हमें बहुत अच्छा लग रहा था, हमारी ये प्रिंसेस है क्योंकि जैसे बाकी भाभियों के साथ मेरा बहुत प्यार है, इनके साथ भी बहुत है। तो ये रही जी केक की फुल लुक, क्योंकि मुझे थोड़ा सा वो उस पर करना पड़ रहा था। कैसा फील कर रहे हैं कवर उसको कैसा फील कर रहे हैं आप? थपकी थपकी मारे चौधरी साहब इसकी कमर में। शेर पंच शेर बुढ़े भाई आप क्यों इतना हंस रहे हो? शेरून सुहेल भाई कह रहे हैं कि आपकी तस्वीर भी खिंचवानी है साथ। सुहेल भाई कह रहे हैं आपकी एक इकट्ठे तस्वीर खिंचवानी है।
घर चलते हैं। डर लग रहा है, शेर बन शेर थपके मारे चौधरी साहब इसके। जी ये इतना शाय पर्सन है। ओहो हाँ जी गुड्डू भाई, इनकी कसर थी, चले आए आप ही को थपके लगा दें। ये देखें जी, ये अभी हम इधर ही बैठे हैं। शरून भूख लगी, खाना खाना गल्ला कर दे। तो बस जी अभी हम घर वापस जा रहे हैं और खूब मस्ती की शरून के साथ, बहुत मज़ा आया। तो उम्मीद करती हूँ जी कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया करें और साथ में ही बेल आइकन उसको ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुँच सके। तो दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं जी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। तो जी शरून के साथ जितनी छेड़खानियाँ की शरून ने भी एंड पे जल्दी जल्दी कहा के चलें जी अब मेरी आप जान छोड़ें, तो बाय बाय किया के चलें जी खुदा हाफिज़। ये बहुत अच्छा यहाँ पे, लेकिन पीछे क्योंकि म्यूज़िक प्ले था तो मुझे यहाँ पर इस वीडियो पर आ गया कॉपीराइट क्लेम, इसलिए मैंने दोबारा से इसकी जो है वो एडिटिंग की और आपके साथ मैंने ये फिर शेयर की।